बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ फिर एक बार, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चर्चा करेंगे अक्टूबर महीने के राशिफल पर। बताएंगे अक्टूबर महीने का पूरा हाल, देंगे कुछ महा उपाय, वो तारीख जो शुभ रहेंगी, वो तारीख जिसमें एहतियात रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे मुख्य त्यौहार और आपसे एक ही निवेदन, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे लिंक दिया जा रहा है मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर का, मुझसे डायरेक्ट जुड़िए। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, श्राद्ध पक्ष 6 तारीख अक्टूबर को ख़त्म हो रहे हैं, 7 तारीख से माता रानी की कृपा से नवरात्रि शुरू होगी। अपने आप में जिस महीनों में नवरात्र होती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड महीने होते हैं, तो निश्चित तौर पर ब्लेस्ड महीने हैं। अब ग्रहों की हालचाल अगर जाने तो ग्रह भी इस समय बहुत बेहतरीन करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे तुला से, जो कि एक अच्छी स्थिति रहेगी। बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं, काफी हद तक लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। शनि 11 अक्टूबर को मार्गी होने जा रहे हैं, काफी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इन दोनों का मार्गी के राशिफल आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, जल्दी हमारे इस YouTube चैनल पे, प्रतीक भट्ट के चैनल पे आएगा, नजरें बनाए रखिएगा। उसी के साथ साथ सूर्य परिवर्तन करेंगे 15 अक्टूबर के आसपास, 16 अक्टूबर के आसपास कहीं ना कहीं अपनी नीच की राशि तुला राशि में जाएंगे, हालांकि कोई बहुत खराब स्थिति नहीं रहेगी। उसी के साथ साथ मंगल का एक परिवर्तन रहेगा इस महीने में। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आपके राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि वालों का राशिफल। तो मेष राशि वालों भाई, इस महीने खास तौर से जो स्थितियां दिख रही हैं, नौकरी व्यवसाय में स्थितियां सुधरेंगी, कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, जीवन बेहतर होगा, आने वाला समय अच्छा होगा, और खास तौर से प्रमोशन के चांस या आय या पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के चांस दिख रहे हैं। सरकारी गाड़ी बंगला भी आपको मिल सकता है, जो लोग सरकार में हैं उन्हें अच्छी खासी सफलता के योग बनते नजर आ रहे हैं। बात करें धन के मामलों की, तो धन के मामलों में अति भाग्यशाली रहेंगे आप, निश्चित तौर पर धन रुपया पैसा आसानी से आएगा, और खास तौर से आय के नए साधन खुलने जा रहे हैं, ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए इस महीने के लिए। खास तौर से धन में इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा, घर गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। खास तौर से भूमि में इन्वेस्ट करिएगा, काफ़ी लाभ आने वाले समय में उसमें मिलेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, प्रेम संबंध में अच्छे से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खूब सहयोग भी मिलेगा। लेकिन 15 से 30 तारीख अक्टूबर के बीच ध्यान रखिएगा, कोई रिश्ता गलत फहमी की वजह से टूट सकता है, कोई रिश्ता किसी समस्याओं की वजह से टूट सकता है, और प्रेम प्रसंग अधूरा रह सकता है। विवाह के मामले में पति पत्नी एक दूसरे का भरपूर साथ देंगे, लेकिन पत्नी के हेल्थ का ख्याल आपको रखना है, ससुराल पक्ष में छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, ध्यान देना है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करूं, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन पाचन तंत्र और लंग्स, इनका ख्याल रखना है आपको पूरे महीने, तब स्थितियां बेहतर होगी। शुभ तारीख 4, 8, 12, 16, 18, 22, 26 रहेगी, अशुभ तारीख 16, 17, 19, 21, 29, 30 रहने वाली है। महा उपाय, सूर्यदेव को जल देते समय उसमें कुमकुम और रोली थोड़ा मिला लें, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर में लाभ लेके आया है। वृषभ राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिल रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ऑफर मिल सकता है। नौकरी व्यवसाय में खासा लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। पैसे रुपये में कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, मन चाही नौकरी मिल रही है, भाग्य पक्ष का
भरपूर पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। धन के मामले में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा इस महीने, कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है, खास तौर से जीवन बेहतर रहेगा। उसी के साथ साथ कोई नया इन्वेस्टमेंट बड़ा ही लाभकारी रहेगा। बस कर्जों से निपटने की कोशिश करिएगा, कर्जों से दूर रहने की कोशिश करिएगा, लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के रिश्ते काफी बेहतर होने जा रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। निश्चित तौर पर एक अच्छा समय रहेगा जिसमें आप बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे रुपये के मामले में आप भाग्यशाली हैं, पति पत्नी एक दूसरे का इसमें भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। माता पिता का भरपूर सहयोग, पैतृक संपत्ति से लाभ, उसी के साथ साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के संकेत इस महीने मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी स्थितियां बेहतर है, प्रेम संबंध शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत बेहतर रहेंगे। स्वास्थ्य की अगर चर्चा करी जाए, स्पाइंडोलाइटिस का ख्याल रखिएगा, स्पाइन वगैरह एरिया का ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं, 3, 6, 9, 12, 14, 18, 22, 28 रहेगी। अशुभ तारीख 20, 29, 30 रहने वाली है। उपाय, उबले हुए चने का दान करिएगा, लाभ मिलेगा। इस खास तौर से अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये जो महीना है थोड़ा उथल पुथल भरा है, थोड़े रिजल्ट में कमी आएंगी, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन कैरियर में रहेगा, अधिकारी आपका भरपूर सहयोग नहीं करेंगे और शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा। निश्चित तौर पर फोकस ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, तब छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। मेहनत कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत है, तब कैरियर में आप बेहतर कर पाएंगे। मेहनत ज़्यादा करनी है तब कहीं सफलता मिलेगी। ओवरऑल खास तौर से नौकरी व्यवसाय में नज़र बनाए रखिएगा, नौकरी बदलाव का ये लेकिन अच्छा समय नहीं है। धन के मामलों में ठीक समय है, एवरेज समय है, सडन धन प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे, खास तौर से 12 अक्टूबर के बाद, लेकिन कर्ज लेन देन से बचना है, नहीं तो भारी नुकसान उठा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी, पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति दिख रही है, मनमुटाव की स्थिति दिख रही है, आपसी क्लेश घर में पड़ रहा है, उसका ख्याल रखिएगा। प्रेमी प्रेम का खास तौर से किसी तीसरे की वजह से अपना रिश्ता खराब कर सकते हैं, इसका भी ध्यान आपको रखना है। बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले की, छोटी मोटी चोट सर पे या पैर पे, पाचन तंत्र की समस्याएं, छोटा मोटा एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी पुलिस से दूर रहिएगा, इसी में ही आपको लाभ मिलेगा। शुभ तारीख 3, 9, 12, 18, 24, 29 रहेगी। अशुभ तारीख 2, 4, 8, 16, 22 रहेगी। महा उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान बाहुक का पाठ मंगलवार और शनिवार जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर स्थितियां बेहतर है। जो समस्या चली आ रही थी, खास तौर से व्यवसायिक वर्ग को, खत्म होगी। बिजनेस बेहतर करता हुआ नजर आ रहा। धन के मामलों में भी भाग्यशाली हैं आप, पैसा रुपया बिजनेस से, व्यापार से अच्छा आएगा, नौकरी में तरक्की होगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता हुआ दिख रहा है, उसी के साथ साथ छोटी मोटी अनबन अगर पति पत्नी के बीच है तो उसे टालने की कोशिश करिएगा। प्रेमी प्रेमिका के संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, एक साथ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में यूरिनरी ट्रैक्ट, लोअर बॉडी पार्ट, इसका ख्याल रखें। शुभ तारीख 1, 8, 17, 26, 28, 29, 30 रहेगी। अशुभ 5, 7, 11, 18, 20। महा उपाय क्या करना चाहिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको प्रतिदिन करना है, नहीं तो सोमवार सोमवार करना है, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में तरक्की के योग हैं, कैरियर और व्यवसाय में भारी लाभ के संकेत मिल रहे हैं, कैरियर और व्यवसाय में शत्रु पक्ष खत्म हो रहा है,
करियर या व्यवसाय में अधिकारी वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है, नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, अच्छा अप्रेजल के चांस बन रहे हैं। धन के मामले में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन प्राप्त होने के पूर्ण संकेत हैं, सडन धन प्राप्त होने के पूर्ण संकेत हैं, शेयर मार्केट से खासा लाभ होने जा रहा है, पैतृक संपत्ति में भी लाभ होने जा रहा है। बात करें पारिवारिक जीवन की, यहां उथल पुथल है, अलगाव की स्थिति, सेपरेशन की स्थिति जो आगे चल के गंभीर हो सकती है, डाइवोर्स में भी बदल सकती है, इसलिए टालने की कोशिश करिएगा मेरे भाई बहनों जो भी वैवाहिक है। और जो अनमैरिड हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, उन्हें इस महीने को यूटिलाइज करना चाहिए, अपने घर में बात करके शहनाई के लिए तैयारी करनी चाहिए। स्वास्थ्य के मामलों में ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर दिख रहा है, पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख 1, 3, 5, 9, 10, 14, 19, 24, 28 रहेगी। अशुभ तारीख 4, 8, 16, 18, 26 रह सकती है। महा उपाय क्या करना चाहिए, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना है। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के, करियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर कोई बड़े लाभ मिल रहे हैं, कोई नई नौकरी शुरू हो सकती है, क्या कहीं नया ऑफर कहीं से आ सकता है, नौकरी व्यवसाय में लाभ मिल सकता है, धन के मामलों में भाग्यशाली रहेंगे, प्रमोशन के चांस मिलेंगे, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, विदेशों से शुभ समाचार या विदेश में नौकरी लगने के संकेत हैं। धन के मामलों में शेयर इन्वेस्टमेंट खासा लाभकारी रहेंगे, ओवरऑल समय बेहतर रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से समय अच्छा है, पैसा रुपया बेहतर रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, प्रगाढ़ होंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, जितना एक दूसरे को टाइम देंगे उतना लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख 2, 5, 6, 11, 14, 15 और 20 रहेगी, वो तारीख जिसमें थोड़ा ध्यान रखना है 3, 8, 10, 19, 28। क्या महा उपाय करें, मसूर की दाल का दान कर दीजिएगा, किसी भी बुधवार के दिन लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, करियर व्यवसाय में निश्चित तौर पर अच्छा समय है, आपकी तारीफ करेंगे बड़े लोग, अधिकारी लोग आपका लोहा मानेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और कुछ अच्छा होगा करियर में। धन के मामले में भाग्यशाली रहेंगे, आसानी से धन आता रहेगा, घर गाड़ी बंगले खरीदने के अच्छे योग इस महीने रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ जीवन बेहतर रहेगा, आने वाला समय बेहतर रहेगा, इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेंगे, शेयर मार्केट से खासा लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में भी लाभ होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसी के साथ साथ खास तौर से पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बेहतरी की तरफ मतलब बढ़ रहे हैं, और प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ नया शुरू हो सकता है जो कि आंतरिक खुशी देगा। बात करें स्वास्थ्य के मामले की, कोई पुरानी समस्या खत्म होने जा रही है, बालों की समस्या पे ध्यान दीजिएगा, छोटे मोटी हो सकती है बाल झड़ने की समस्या वगैरह, बाकी स्थिति ठीक दिख रही है। शुभ तारीख 1, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 23, 26, 28 रहेगी। अशुभ इस महीने कुछ नहीं दिख रहा है। महा उपाय क्या करना चाहिए, महिषासुर मर्दिनी का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, कैरियर और व्यवसाय में पराक्रम बढ़ने जा रहा है, पावर बढ़ने जा रही है, अधिकारियों का सपोर्ट बढ़ने जा रहा है, उसी के साथ साथ जीवन बेहतर होने जा रहा है, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, उसी के साथ साथ धन के मामलों में बाहर से सहयोग मिलेगा, विदेशों से सहयोग मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, कोई तीसरा व्यक्ति लाभ देगा। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी लड़ाई ज्यादा ना बढ़े इसका ख्याल रखिएगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच अलगाव की स्थिति हो सकती है किसी गलतफहमी की वजह से। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, तो
निश्चित तौर पर ईएनटी का ख्याल रखना है, ईयर नोज थ्रोट, ठीक है जी। उपाय और शुभ तारीख, शुभ तारीख 4, 8, 12, 18, 22, 26, 28, अशुभ तारीख 1, 3, 5, 9, 11, 14, 13। महा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करना है प्रतिदिन। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर स्थितियां आपके मुताबिक होने जा रही है। ये महीना पिछले महीने से काफी अच्छा जाएगा, प्रमोशन के चांस मिलेंगे, आय बढ़ने की स्थिति होगी, अधिकारी खुश रहेंगे, किसी दूर जगह पे जाके नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया ऑफर आ सकता है, पदोन्नति के संकेत हैं। उसी के साथ साथ जीवन में अधिकारी के या किसी राजनीतिक आदमी का खूब सहयोग मिलेगा। धन के मामले में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा, कहीं कोई समस्या जीवन में नहीं रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेंगे, शेयर मार्केट में लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से फायदा होगा, अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, लेकिन वाणी पे कंट्रोल रखना है। वाणी की वजह से घर में आपकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ लोगों के साथ हो सकती है। उसी के साथ साथ खास तौर से स्वास्थ्य के मामलों में थ्रोट का ख्याल रखना है, थ्रोट इन्फेक्शन का ख्याल रखना है, पेट का ख्याल रखना है, ये छोटी सी एहतियात बस रखिएगा। शुभ तारीख 3, 6, 9, 12, 18, 26, 28, 29, 30। अशुभ 4, 7, 14, 17, 27 रहने वाली है। महा उपाय विष्णु चालीसा का पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति से सब महीना शुरू होगा, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी 10 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद नौकरी में फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, मन लगेगा, उसी के साथ साथ आपकी लोग तारीफ करेंगे, आपके कार का लोहा मानेंगे और कार की वजह से आपकी तारीफ हर जगह होगी। धन के मामलों में भाग्यशाली रहेंगे आप, बिजनेस से भी नौकरी से भी धन आएगा, छोटी मोटी यात्राओं से धन आएगा, धार्मिक यात्राओं के भी संकेत मिल रहे हैं, पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल रहा है, अचानक धन प्राप्ति के योग है। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के बीच स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेमी प्रेम का कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में पेट की समस्या, माइग्रेन की समस्या, पैरों में दर्द की समस्या का ख्याल रखिए। शुभ तारीख 2, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 28, 29। अशुभ 3, 5, 9, 11। क्या उपाय करें? शिव तांडव स्त्रोत का पाठ सोमवार और शनिवार के दिन करिएगा, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों, बहुत अच्छा महीना नहीं है, खर्चे बढ़ेंगे, नौकरी में खुशी नहीं मिलेगी, लोग आपकी बुराइयां कर सकते हैं, शत्रु हावी हो सकते हैं, अधिकारी कम साथ देंगे, उसी के साथ साथ टेंशन तनाव बना रहेगा। धन के मामलों में धन हानि के संकेत हैं, वाद विवाद के संकेत हैं, धन चोरी होने के संकेत हैं, किसी बहुमूल्य चीज के खोने के संकेत हैं, पड़ोसियों से वाद विवाद के संकेत हैं, वाणी से चीजें बिगड़ने के संकेत हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कर्ज ना लीजिएगा ना दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में जरूर अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, पति पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं, माता पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, प्रेमी जोड़े अलग हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य हालांकि ठीक दिख रहा है, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस लिवर और गॉल ब्लैडर का ख्याल रखना है। शुभ तारीख की बात करूँ 3, 6, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 24 रहेगी। अशुभ 4, 8, 12। महा उपाय, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, रोज संध्या काल में 8 बार इस मंत्र का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में अच्छे लाभ दिखते हुए नजर आ रहे हैं, पदोन्नति के संकेत हैं, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। सर गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, तारीफ करेंगे लोग आपकी, नौकरी में लाभ के संकेत विदेशों से भी नजर आ रहे हैं। धन के मामले में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा, पैसे रुपए की कोई समस्या नहीं रहेगी, ओवरऑल जीवन बेहतर रहेगा। धन के मामलों में खास तौर से सडन धन प्राप्ति के योग हैं, शेयर मार्केट में खासा इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा,
और भी जगह भी इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। ये महीना ट्रांसफॉर्म का महीना है। पति पत्नी अपने रिश्ते बेहतर करें, प्रेमी प्रेमिका के साथ नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है, पर छोटा मोटा खांसी जुकाम का ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख 1, 5, 8, 10, 14, 15, 19, 23, 24, 28 रहेगी। अशुभ कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 5 तक की तारीखें अवॉइड करिएगा। क्या महा उपाय करें जिससे लाभ मिले? नारायण कवच सुनिए या पढ़िए, लाभ मिलेगा। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर माह का। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।